राष्ट्रीय स्थानिक संस्था की दिल्ली इकाई के द्वारा यहां एक शांति सभा आयोजित की गई और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक ज्ञापन भी भेजा गया। राष्ट्रीय स्थानिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा कि रूस यूक्रेन का युद्ध कब का खत्म हो गया होता यदि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार ना दिए होते। अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को यूक्रेन भेजा इसलिए नहीं कि युद्ध को रुकवाया जाए बल्कि नए हथियार देने का भरोसा देकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेंडर ना कर दे। अगर युद्ध खत्म हो गया तो अमेरिका के हथियारों की बिक्री भी कम हो जाएगी। आश्चर्य तब होता है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस कीव में आते हैं और उनके होटल के पास रूस मिसाइल दाग देता है और संयुक्त राष्ट्र चुप रहता है। संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से दांत विहीन और निष्क्रिय हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षा पूर्णिमा आनंद ने ब्रिक्स देशों द्वारा नई उत्पन्न हुई परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों के साझा सहयोग का महत्व बताते हुए कहा कि सच यह है कि अमेरिका और नाटो के देश यूक्रेन की सहायता नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे तबाह कर रहे हैं ताकि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो अपने आप को तटस्थ कहते थे वो भी नाटो में आने का मन बना ले इस डर से कि कहीं उनका भी यूक्रेन जैसा हाल ना हो जाए। उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता पाने के प्रयास में रूस के साथ विद्रोह कर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन और पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित हो गए हैं। यदि शांति वार्ता ना हुई तो पूरा संसार तृतीय विश्व युद्ध व परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। काफी देशों में तो खाद्य और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। रूस के साथ जिन देशों का आयात निर्यात है वे सभी देश अमेरिका प्रतिबंधों के कारण संकट में हैं। राष्ट्रीय स्थानिक संस्था के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संयोजक राजीव जोली खोसला ने कहा कि चीन नॉर्थ कोरिया रूस ईरान जैसे बहुत सारे देश ये मानते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े शक्तिशाली नेता हैं लेकिन सम्मानित नहीं हैं। शक्तिशाली और सम्मानित देश केवल भारत ही है इसलिए नए विश्व ऑर्डर के नेतृत्व की प्रथम पंक्ति में भारत का होना अनिवार्य है और यही एक उम्मीद की किरण है विश्व शांति की क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम उस समय से कहते चले आ रहे हैं जब बहुत सारे देशों को उंगली पकड़कर चलना भी नहीं आता था। परमजीत सिंह पम्मा जावेद खान वेद प्रकाश और कलीराम तोमर ने अपनी अपनी भाषा में कहा कि क्रीमिया के लोगों द्वारा किए गए जनमत संग्रह का समर्थन करने के बदले में रूस को 8 साल का प्रतिबंध भुगतना पड़ा जो अभी अंतिम पड़ाव पर था लेकिन डोनबास के LTR और GPR में यूक्रेन द्वारा रूसी भाषी लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए रूस ने विशेष सैन्य कार्रवाई की जिसके बदले में अत्यंत कड़े प्रतिबंध लगाकर रूस को एक तरफा आपराधिक देश घोषित करने की कोशिश की गई जो ब्रिक्स देशों द्वारा अस्वीकार्य है। रूस पर प्रतिबंध हटाकर दोनों पक्षों का शांतिपूर्वक हल निकाला त्यागी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ की जो दिल्ली इकाई है जिसके संयोजक हैं वेद प्रकाश जी और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो संयोजक हैं वो है श्री राजीव जौली खोसला जी। इन्होंने और पूर्णिमा आनंद जी ब्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेटिव है, अध्यक्षा हैं। इन्होंने मिलकर आज एक विश्व शांति के लिए आह्वान करने का कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उसमें एक पार्ट हूँ। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन दुनिया में बिडन होंगे, पुतिन होंगे, किम जोंग होंगे या चाइना के प्रेसिडेंट होंगे, ये सब इफेक्टिव लीडर हैं, ये सब बड़े लीडर हैं, ये सब शक्तिशाली लीडर हैं, लेकिन क्या इनमें से एक भी पूरी दुनिया के लिए सम्मानित लीडर है? जाना चाहिए। लोगों ने तख्ती और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए कुछ कबूतर भी छोड़े गए। इस विश्व शांति मार्च में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में सर्वश्री कमल मक्कड़, वेद भूषण, जगदीश सक्सेना, M.K. दुआ, भारती बघेल, चमन नागर, वीना श्रीवास्तव, रीमा, अनिता तिवारी, पूनम मनीषा, ब्रजेश कुमार, अंगद धर्मेंद्र, वीरू धर्मेंद्र, पिंकी मधुकर, हितेश शर्मा, DK महिंद्रता आदि शामिल थे। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।